बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम, अलहमदुलिल्लाह, मैं खुश आमदीद कर देता हूँ अपनी किचन में। अज मैं लैके आई बहुत मज़ेदार जी रेसिपी। अज आप बनावे जी आलू गाजरों का सालन, बड़े जी आसान जे तरीके ना ते बहुत ही मज़ेदार जहा बनता है। तो ये वास्ते जिहड़ियां शेवां मैं लईआं जी, गाजरां लईआं है अद्धा किलो गाजर है, नाल जी एक पाव आलू ले आया सी, उन्होंने इदां जी कट लिया। नाल सानूं अदरक लसन का पेस्ट चाहिए, धनिया चाहिए, टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, तो नाल सानूं हरिया मिर्चा चाहिए, इन्ना कि जी इन सानूं चाहिए। तो हुण आपां शुरू करते हैं आप अज की रैसपी बनाना, बहुत ही जी आसान के तरीके ये बन जाती है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इन असी तड़के नाल ला के पकाना है। तो सब तो पहले जी असी देगची विच घ्यो शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना कि असी घ्यो शामिल करना वा। इस तों बाद नहीं थोड़े घ्यो दे विच बन जांदे आ बहुत वधिया जिहा। तो इहदे विच जी असी शामिल कर देंगे प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज नूं भी असी पहलों इहदे विच भुन लवांगे घ्यो दे विच। माशाला जी इन्ना कि भी असी इहनूं भुनना है, तो इदा का भी यदा रंग हो जाए तो असी जो बस इन्ना कि भुनना है। ये हम भी असी शामिल कर देंगे अदरक लसन का पेस्ट जिन्होंने असी कुट के रखा से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्हों भी जी असी भुन लेना घ्यो दे विच। जी शान से ला ये महक जी है ना वो एक जी होंगी सुच्चे पानी वो खत्म हो जाए तो उन्नी देर जी असी इनू अदरक लसन भी घ्यो भुन लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अदरक लसन भी असं भुन लिया, हम ये शामिल कर देंगे टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन जी असं लवेंगे ये ना शामिल कर देंगे जी असं हरिया मिर्चा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इन सारी शामिल असं भुन लिया चंगी तरह। हम ये असी मसाले शामिल करांगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सब तो पहले असं शामिल करांगे नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुसी अपने जायके के मुताबिक शामिल कर लो जिन्ना तुसी करना चाहो, थोड़ा या वध उस हिसाब के नाल। नाल असं शामिल करांगे जी कुटी लाल मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी एक चम्मच मैं कुटी लाल मिर्च का शामिल किया। नाल जी असं शामिल कर देंगे एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाल असी शामिल कर देंगे जी हल्दी, अद्धा चम्मच जरा असी हल्दी का शामिल कर देना। नाल असी शामिल कर देंगे जी धनिया पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाल असी शामिल कर देंगे जी जीरा पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाल असी शामिल कर देंगे जी कसूरी मेथी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बाजारों मिल जाती है, यदा जायका बड़ा वधिया आता हांडी में। इन्हें सारे मसाले जी असी भुन लेना चंगी तरह। सारा जिहड़ा जी असी हरिया मिर्चा असी जिहड़ियां लाल मिर्चा विच पाइया है, दूसरी मिर्चा पाइया है जी, इन्हें सारे असी चंगी तरह भुन लेना है ताकि ये कच्चिया ना रहन ते वधिया जिहड़ा साडा मसाला वो तैयार हो जाए। इन्हें मैं वधिया जिहा भुन लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, माशाल्लाह जी, हम बहुत ही वधिया जिहड़ा मसाला भुन लिया है, बहुत ही वधिया जिहा भुज गया, सारे मसाले वधिया जिहा पक गए ने। असी शामिल कर देंगे आलू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी इन्हें भी भुन लेना है। तो ये नाल जी असी शामिल कर देनी है गाजर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़ेदार जाए कि यदा आलू गाजर का सालन बनता है। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं खाते तो इस तरीके ना बनाओ तो बहुत ही वधिया है, बहुत ही मज़ेदार है, ये सालन बन जाता है। तो बच्चे भी शौक के नाल खाएंगे बिल्कुल भी, ये कि इस तरह बनाओगे तो गाजर बिल्कुल भी मिठिया नहीं बनियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इन अभी थोड़ा भुन लिया है, तो ये जी हम अभी शामिल करेंगे सिरका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो फिर सिरका अभी शामिल कर देना जी, इन्हना दो चम्मच अभी शामिल करेंगे। ये वजह से भी साड़िया गाजर वो गल भी जाएगियाँ, आलू दोनों छावे जो चंगी तरह गल जाएगा, नाले जी ये मिठिया नहीं बनगियाँ। सिरके की वजह तो बहुत मज़ेदार जो साला तैयार हो जाता अगर तुम सिरका शामिल करो। तो सिरके की वैसे हदीस भी है जी कि हर हांडी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर हांडी में सिरके का इस्तेमाल जरूर करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, माशाल्लाह जी सारे मसाले तो आलू गाजर जो पाए ने इन्होंने 5 मिनट तक असं भुन लिया है, तो बहुत वधिया तो बहुत ही मज़ेदार है घ्यो भी साड़ दिता मसाले ने। यही सब तो बड़ी निशानी होंगी है कि तुहाडा मसाला तो सब्जी चंगी तरह पक गई है, भुज गई है, तो
ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਗਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਪੱਕ ਜਾਣ, ਗਲ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਫਿਰ ਹਮਾਰੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਗਲ ਜਾਣ ਦੋਨੋਂ ਛਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਛਾਵਾਂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਆਲੂ ਵੀ ਗਲ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਅਤੇ ਲੋਅ ਓਇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਘਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਸਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲ੍ਲਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲ੍ਲਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਸਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।